नमस्कार न्यूज एट फोर को स्वागत करुछि मु गायत्री। देश में ओमिक्रन गोष्ठी संक्रमण विभिन्न मेट्रो सहर रे गोष्ठी संक्रमण व्यापक होबार लागिछि। एही तथ्य देछि केन्द्र स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा गठित फोरम इनसाकक। एही फोरम रो ताजा बुलेटिन अनुसार ओमिक्रन रो उपप्रजाति B1.2 मध्य देशर किछि स्थान रे संक्रमित करथिबा आशंका करा जाउछि। इनसाकक रो जनवरी 10 बुलेटिन जहां आज प्रकाशित होइछि सेथिरे दर्शा जाइछि जे अधिकांश ओमिक्रन आक्रांत लक्षण विहीन रहउछन्ति। आगकु हॉस्पिटलाइजेशन एवं आईसीयू आवश्यकता किछि मात्रा रे बढ़ि पारे। तेबे निकटरे ठाब होइथिबा ओमिक्रन रो उपप्रजाति B.1.640.2 वेरिएंट कु नै अधिक गवेषणा चालिछि। यहार संक्रमण तीव्रता को नहीं कौन से प्रमाण मिली ना, तेब यह वेरिएंट ऑफ कंसर्न बोली ए पर्यंत ठाब होना। आगकु देश में ओमिक्रन जो संक्रमण हेबो ताहा विदेश फेरंता यात्री नुहे बरं आभ्यंतरीण संक्रमण रु ही व्यापिबो। कोविड नियमावली मानिले एही संक्रमण को प्रतिहत करिहेबो बोली इनसाकक पक्षरु कहा जायछि। देश में पुणी 3 लाख टपिला कोरोनार दैनिक संक्रमण। 24 घंटे चिन्हट होती 3,33,000 नुआ संक्रमित। यह समय 525 जनक जीवन नहीं महामारी। मोट एक्टिव केस 21,87,205 पहुंची। देश में पॉजिटिविटी रेट 17.78% थे एक्टिव केस रही 5.57%। से ही आरोग्य हार रही 93.18%। 5 राज्य में संक्रमण उपर मुहा रही। महाराष्ट्र दिल्ली तमिलनाडु एवं केरल स्थिति चिंताजनक रही। सेबड़े राज्य में कोरोना संक्रमण लगातार ह्रास पाइबार लगी। गत एक सप्ताह है संक्रमण तल मुहां हो। खोर्धा जिला समेत सुंदरगढ़ कटक आदि स्थान में भी कमी आक्रांतों संख्या। गत 24 घंटे राज्य में 8,520 कोरोना आक्रांत चिन्हट होते। संगरोधर 4,941 स्थानीय अंचल 3,579 आक्रांत चिन्हट होते। नुआ आक्रांतों मध्य 18 वर्ष कम बयस 937 जन चिन्हट होते। खोर्धार 2,262 पॉजिटिव चिन्हट होते। से हीपरी सुंदरगढ़ 932, कटक्रु 799, बालेश्वर 346, जाजपुर 253 पॉजिटिव चिन्हट होती। सेहिपरी कलाहांडी 226, बलांगीर 217, नयागढ़ 216, नुआपड़ 199, नवरंगपुर 192, रायगढ़ 187, मयूरभंज 180 नुआ मामला सामना को आसी। सेबड़े राज्य में गत 24 घंटे कोरोना नहीं आउ 6 आक्रांतों जीवन। बालेश्वर, भद्रक, कटक, कंधमाल, अनुगुल और सुंदरगढ़ जड़े लेखाएं आक्रांतों मृत्यु होतीस। राज्य में मोट कोरोना मृत्यु संख्या 8,520 को वृद्धि पाई। राज्य में गत 12 तारीख ठू संक्रमण धीरे धीरे कमी आरंभ कर। टेस्टिंग कमी ना, दैनिक टेस्टिंग 70,000 उपरे रही। तेबे संक्रमण शीर्ष में पहुंची कि नहीं ताहा जानिबा को आउ 2-4 दिन अपेक्षा करने को पड़िबो। कारण द्वितीय लहर में अनेक विशेषज्ञ आकलन करथिले जे संक्रमण जुलाई मासरे कमिबो बोली, किंतु ताहा कमिबा को अक्टोबर हो जाइथिला। जहाँ भी हो आसंता किछि दिन आम पई गुरुत्वपूर्ण रहिबो। देश अपेक्षा आम राज्य भल स्थित रही। गुरुतर रोगी संख्या मध्य कम रहिथिबा कहिसेंति स्वास्थ्य निर्देशक विजय महापात्र। महामारी कमुची आम जब देखा विगत 7-8 दिन 12 तारीख देखा धीरे 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 आम कमुची जदि कम कमाटा एत जोर नुह किंतु आमर बर्तमान बंद कमुची सेमती देखा गले आम टेस्टिंग रो मात्रा कमी ना आम 70,000 ऊपर टेस्टिंग चली। एका टेस्टिंग रे कमाटा गोटे भल लक्षण किंतु आम जमी कही 2 दिन आगु आउ 2-3 दिन पर आम टोटाल ट्रेनटा जाणी गोटे 10-15 दिन गोटे ट्रेन देखिले केते कमुची से अनुसार आम कहीपर कि वर्तमान जदि प्रोविजनली कहवा यहाँ गोटे भल इंडिकेसन जोटी आम पॉजिटिविटी कमुची जोटा कमुची बा बढ़ुची बहुत कम डेविएशन टा बहुत कम अच्छी आप पाकर बड़ लोकंर निम किसी दिन अपेक्षा करके निश्चय भाव में ट्रेनटा जापर आम अवस्था कौन अच्छी। द्वितीय जिनस है आम आपण भलक जानते आमर हस्पिटालेसन रेट कम अच्छी भेन्टिलेटेड पेसेंट भी कम अच्छा पॉजिटिविटी तुलना।
कटकु बेआईन लिंग निरूपण राकेट धरा पड़ा मामला आज जन अभियुक्त को गिरफ्त कर मंगलबाग पुलिस एथसत गिरफ्तारी संख्या पांच में पहुंची लिंग निरूपण करुवा ल्याब को अल्ट्रासाउंड मेसीन जगह अभियुक्त केवल सरकारी अनुमति लाभ कर ल्याब को अल्ट्रासाउंड मेसीन व्यवहार अनुमति रही तेज मंगलबाग आल्फा हेल्थ केयर बिना कागजपत चलता एपरिक बेआईन भाव में लिंग निरूपण कर एबे किछि दिन पूर्वरु आल्फा हेल्थ केयर रो दुई जन कर्मचारी एवं दुई जन दलाल को गिरफ्त करा जायतिला। मोर पांच नंबर अभियुक्त ना होची मानस रंजन पंडा जे कि अल्ट्रासाउंड मेसिन बेआईन भाव में प्रसन्न साहू को जगे देथिले आ बर्तन से कोठो आनीथिले आ को सोर्स रु आनीथिले सेटा हमर बर्तन तदंत सपेक्ष चलची इन्वेस्टिगेशन चलची से आडमिट करते आणिकी रांची ये मेसीन टी प्रसन्न साहू को देते मानस प्राय दस वर्ष है मेडिकल फिल्ड में कम कर विभिन्न इक्विपमेंट सप्लाय करती इर्दान कंपानी जो कंपानी अल्ट्रासाउंड मेसीन आम सीज होती से कंपानी भी विभिन्न इक्विपमेंट सी सप्लाई दिखती आईसीयू पार्टस दिखती ये दिखती सब जिन सी सप्लाय दिखती तेणु सी प्राय दस वर्ष है फिल्ड में अच्छा आ सी आडमिट करे कन्फेस कर मेसीन टी सी आणिक प्रसन्न को 350,000 टकर बिक्री कर धानर मानक नहीं मिलर एवं जिला प्रशासन मध्य बिवाद फल नयागढ़ जिले में खोली पारुनी धान मंडी फल अमल धान को बिक्री करी न पारी जिलार हजार हजार चाषी एवं चिंतार यार फायदा उठाऊँ असाधु व्यवसायी मंडी न खोलिबारु रास्ता और बिल भितर पड़ रही बस्ता बस्ता धान शीत काकर पड़ नष्ट लगी केवल से नुहे मूसा ठारु आरंभ कर पशुपक्षी पलटि आहार यह देखि मुंडरे हाथ दे बसी चाषी एभली दृश्य देखा मिली नयागढ़ जिले में मंडी खोली नथिबारु एभली परिस्थिति सृष्टि होई धानर मानक नहीं मिलर आसोसिएशन धान ने अमंग होवु मंडी खोल में देखा अचलावस्था फल जिलार हजार हजार चाषी अमल धान को बिक्री करी न पारी चिंतार पड़ती यार सुजोग नहीं असाधु व्यवसायी सगमाछ दर से धान बिकवाक चाषी को प्रभावित करान बिक्री को नहीं चिंतार चाषी उपाय नपाई बाध्य दलाल को धान क्विंटाल पिछा हजार टकर बारश टकर बिक्री करुवा अभोग धान मंडी नौनी आईराण पड़ पड़िया जो मंडीटा खोल आम कमी धान फान दिं आउ पाल पकई घोर रखी ये तो नौ ना मिलर मान कर आमर जो अच्छा धान किणवापी से मैंने करना मागणा मागणा कौन हजार टाँह बारश टाँह क्विंटाल आगे चाषी भी सेको भी हो पार नमी कौड़ी काकड़े पड़ी आम घोर धान बेंगला कर आउ जदि तो सुविधा है नेलु ना काकड़े जगह धान को सोबू आजा ये तो हईरा हो बर्षा से आसे धान गजाटी हाँ को बेपारी मैंने नौ ना हाँ आज्ञा खरा काकर पड़ी ये भी बहुत लोकसानी होजा एराक बिक्री करते मन कर मंडी खोली था बिक्री करते आज नहीं काठ ऋणी हो ऋणी नहीं सुजवाज कर जिला प्रशासन पक्षर गत सात तारीख दिन मंडी उद्घाटन करा चलित बर्ष चाषी दस लक्ष क्विंटाल धान किणवाई प्रशासन लक्ष्य रखी मंडी में धान बिक्री जिलार 46,062 जन चाषी पंजीकृत होती धान किणवाई 153 टी मंडी खोलिबा को प्रशासन पक्षर स्थिर होई धान क्विंटाल पिछा सरकारी दर ग्रेड ए 1,960 और साधारण धानर मूल्य 1,940 टंका रही धानर मानक नहीं मिलर और जिला प्रशासन मध्य समाधान बाट बाहरी पारना फल मंडी खोलिबा नहीं अचलावस्था सृष्टि होई जनवरी मास शेष होगाक बसी बेले एपर्यंत जिले में कौन स्थान में मंडी खोली नथिबा चाषी को संकट में पकाई धार करज करी धान चाष करी चाषी किभली ऋण परिशोध करे चिंतार रही अभियोग जिला प्रशासन चाहिए यार समाधान हो पार बोली मिलर आसोसिएशन पक्षर कह मंडी की लाभ होता आम दीपा सुझाजी कर मंडी नौनी मंडी खोल जाऊनि तेल आम कौन करूँ रखिक घरे मूसा डुंगे से सब खाइबे फेर जो लोक आम आम दुआ बसुची धान मान उपर किसी जी कंप्रमज कराए आज धान जी कंप्रमज किसी मुड को आसो अटोमेटिक चाउल मानर कंप्रमज मुड को आसो हेले आम धान परचेज करूँ आम 17 मिलर भी आम आज एग्रीमेंट करसीचु आम पाखे भी लोक मैंने अच्छा बहुत
ये अच्छा आम श्रमिक मैंने बस कम करने यहाँ हूँ मोर सरकार दाबी चाषी मान को एजुकेट करा जो भाव से सफा सुतरा शुखला धान भल धान एफ आई क्यू स्टाडार्डर धान आणतु एवं से एफ आई क्यू धान स्टाडार्डर आने आम ये दिन दु दिन भितर आम मंडी अपरेट कर धान किणा चलो। धानर मानकु नै जिला प्रशासन और मिलर आसोसिएशन मध्यरे समाधान बाट फिटु नाही। सेपटे हातरे टोकन थाई चासी धान बिक्री करि न पारिबा चासीक समस्या को द्विगुणित करिछि। नयगढ़ नवकिशोर मिश्र, न्यूज 18 ओडिया। स्वदेश फेरिबे भारतीय युवक, खूब शीघ्र भारतीय युवकों को फेराइब चीन सेना। अरुणाचल प्रदेश सियांग जिलारु 17 वर्षीय मीराम तारुन को अपहरण करिनेथिले बेजिंग सेना। भारतीय सेना और सरकार को उद्यम फल एवं स्वदेश फेरिबे तारुन। प्रोटोकॉल अनुसार तारुन को चीन सेना फेराइब बोली जमापड़ी, एथिपाय 7-10 दिन समय लागिबो बोली कुहाजाउछि। किछिदिन पूर्वरु मीराम तारुन को अपहरण करिनेथिले चीन सेना। एने ट्वीट करि सूचना देथिले स्थानीय सांसद तापिर गांव। यहां पर घटना आसीथिला सामना को। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जयंती श्रद्धांजलि अर्पण। राष्ट्रपति भवन में नेताजी फटोचित्र पुष्पमाल्य अर्पण कर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी। एथस उभय गृहर बहु सदस्य जनाई श्रद्धांजलि। सेबड़े राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद नेताजी को श्रद्धासुमन अर्पण कर। ब्रेक पर स्वागत। आज दुई वीर संग्रामी नेताजी सुभाष चंद्र बोस और वीर सुरेन्द्र साए जयंती। समग्र देश नेताजी वीरत्व और बलिदान को मन पकाउछि। वीर सुरेन्द्र साए गड़जात आंदोलन पराकाष्ठा को प्रमाण करुछि पूरा जाति। दुई वीर पुओं को गभीर श्रद्धांजलि जनाई मुख्यमंत्री नवीन पटनायक। नवीन निवास परिसर में नेताजी और वीर सुरेन्द्र साए प्रतिमूर्ति में माल्यार्पण पूर्वक श्रद्धांजलि अर्पण कर मुख्यमंत्री। आज देश पालन करुछि विशिष्ट स्वाधीनता संग्रामी नेताजी सुभाष चंद्र बोस 125वीं जयंती। एथिपाई नेताजी जन्मस्थान कटक आयोजित होइछि स्वतंत्र कार्यक्रम। संस्कृति मंत्री ज्योति पाणिग्राही कार्यक्रम में मुख्य अतिथि भाव में जोगदे जातीय पताका उत्तोलन करिबा सह नेताजी प्रतिमूर्ति में पुष्पमाल्य अर्पण करिछन्ते। एथसहित राज्यसभा सांसद सुभाष सिंह, राज्य कांग्रेस प्रभारी चेला कुमार प्रमुख, महान योद्धा तथा विशिष्ट स्वाधीनता संग्रामी को श्रद्धासुमन जनाइछन्ते। नेताजी जन्मस्थान संग्रहालय नेताजी जीवन को नहीं 15 भास्कर्य कलाकृति प्रदर्शन करा। तबे कोविड कटकणा लागिथिबारु साधारण दर्शनार्थी को गैलरी परिदर्शन मना करा जाय छि। भारत वर्षर गर्व ओडिशा माटीर पुओ नेताजी सुभाष चंद्र बोस 125वीं जन्म जयंती पालन करा जाउ छि। सेपाई ओडिया भाषा साहित्य संस्कृति विभाग तरफ ये कार्यक्रम सब वर्ष पर नेताजी को पुष्पमाल्य अर्पण मध्यम श्रद्धांजलि ज्ञापन कर। कटकवासी भाव नुहे, ओडिशावासी भाव नुहे, समग्र देश आंतर्जातिक स्तर में नेताजी सुभाष चंद्र बोस आत्मबलिदान संघर्षमय कहानी स्वाधीनता संग्राम जो भूमिका से पालन करते गोटा विश्व सम्मानित करपुत्र आम जो कटक मटे जन्म ये पाठ पढ़ा यहाँ आमको एभली भाव में गौरवान्वित करपाई माननीय मुख्यमंत्री नवीन पटनायक सबुठ सर्वाधिक सम्मान देवाई नेताजी सुभाष चंद्र बोस को प्रयास जारी रखिंट। आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस 125वीं जयंती। एने भुवनेश्वर रसुलगढ़ निकटस्थ नेताजी प्रतिमूर्ति में कांग्रेस पक्षर् श्रद्धांजलि अर्पण कर। कांग्रेस प्रभारी चेला कुमार, कांग्रेस नेता सुर रत्राय समेत बहु दलय कर्मी उपस्थित रही नेताजी प्रतिमूर्ति में पुष्पमाल्य अर्पण करने स्मृतिचारण करते। एथसहित बीजेपी पक्षर् पुष्पमाल्य अर्पण कर। बीजेपी राज्य सभापति समीर महांती, जिला सभापति बाबू सिंह, जगन्नाथ प्रधान प्रमुख उपस्थित रही नेताजी वीरत्वर गाथा बखाणी। अवसर में आजाद हिंद बाहिनी संगठन पक्षर् परेड माध्यम रे नेताजी सुभाष चंद्र बोस को राष्ट्रीय सलामी दिया जायतिला। एथसहित बहु संगठन मध्य पुष्पमाल्य अर्पण पूर्वक जाति धर्म वर्ण निर्विशेष मानविकता भाव को अग्राधिकार दे बंचिबा दरकार बोली आह्वान देथिले।
Mahatma Gandhiji has mentioned very clearly, he is the patriot of patriotists. And Subhash Chandra Bose ji also has, he is the man who first announced in the radio Mahatma Gandhi as the father of the nation. This is the real history. We are very proud being a congressman to pay rich tribute to Netaji's birthday and today here. ये महान पराक्रमी सर्वस्व त्यागी स्वाभिमान प्रतीक नेताजी सुभाष बोस जो आज इंडिया गेट दिल्ली रे जो प्रतिमूर्ति स्थापन करा जाउछि ताहा ए समग्र भारतवासी जो कृतज्ञतार महापापर आज प्रायश्चित करिवार अयंबारंभ होइछि। नेताजी सुभाष बोस 125वीं जयंती एवं वीर सुरेन्द्र साईंकर 213वीं जयंती भारतवर्षर स्वाधीनता संग्राम को नेताजी अवदान अविस्मरणीय मानव समाज इतिहास रे जो केते जन संग्रामी क्रांतिकारी मते रक्त दिय मु तुमको स्वाधीनता देवी एवं नेताजी से उदात आह्वान दिल्ली चलो आज मध्य भारतवर्षर जुव प्राण को आंदोलित करे मते रक्त दिय कहिले देह सियरी उठे लुम टंकुरी उठे। स्वाधीनता संग्रामी वीर सुरेन्द्र साई 213वीं जयंती जन्मपीठ संबलपुर खिंडारे पालित हो सहित संबलपुर जेल छक विभिन्न अनुष्ठान पक्षर् वीर सुरेन्द्र साई प्रतिमूर्ति माल्यार्पण कर स्मृतिचारण कर संग्रामी सुरेन्द्र वीरत्व एवं बलिदान को मन पक बुद्धिजीवी वीर सुरेन्द्र साई स्वाधीनता आंदोलन में जोगद दीर्घ वर्ष कारावरण करते संग्राममय जीवन में असुरीगढ़ और हजारीबाग जेल में कारावरण करते तांको जन्ममाटी खिंडार विकास सह संसद भवन रे तांको प्रतिमूर्ति स्थापन पाई दाबी करिसेंती नेता वीर सुरेन्द्र साईंक जयंती अवसर रे संबलपुर जिलार विभिन्न गाँव में विशेष कार्यक्रम अनुष्ठित हो जाई छी। आज दिन रे आमे जते युवपीढ़ी आउ आमर पश्चिम ओडिशावासी संबलपुर जिलावासी जेन से बलिदान देथिले से बलिदान तो सम्मान तबे रही परवा जदि आमे संबलपुर जिला पश्चिम ओडिशा रे स्वाभिमान के आम आगे आम युवपीढ़ी भितर रहा दरकार और स्वाभिमान सहित आम आम अंचल विकास केन्द्र करमा से करमा ताल यहाँ ही प्रकृत श्रद्धाजलि हवा। भारतर जन प्रमुख स्वाधीनता संग्रामी श्री बी सुरेन्द्र साय जे कि ब्रिटिश एगेन्स्ट लड़ी थे स्वाधीनता जो गोटे बेसीस रखी जहा सब आईडिया सबू स्वप्न को कमी साकार करमती लोक भलि रे टूरीजम डिपार्टमेंट सहित भी आम कथा कि आम से एरिया को डेवलप करवा जहाँ सबू एडमिनिस्ट्रेशन तरफ पॉसिबल हम से खिंडारे जन्ममाटी भी जेन प्रकार इम्प्रुवमेंट हवा कथा आज पर्यटन से नहीं पारि खाली समस्ते कही चलीछन आम ओडिशा सांस्कृतिक समाज तरफ प्रति वर्ष आम डिमांड करूँ पार्लियामेंट हॉल रे सुरेन्द्र साईं गोटे प्रतिमूर्ति रखा जाऊ बोली किंतु आज पर्यटन से नहीं पारे आम तथा आउ थे आम अनुरोध करुच्छ सरकार को नुआ पार्लियामेंट हॉल जेनटा होने कम से कम वीर सुरेन्द्र साईं प्रथम स्वाधीनता संग्रामी हिसाब से प्रतिमूर्ति स्थापन कर। भुवनेश्वर में राज्यस्तरीय साधारणतंत्र दिवस प्रस्तुति गांधी मार्ग में चली प्रस्तुति एाय 10 ट्रुप भाग नहीं प्रथम थर पर भाग नहीं बीएसएफ जानुरी 26 सका सम्मिलित परेड हम राज्यपाल जातीय पताका उत्तोलन करेंगे किंतु परेड स्थल को सर्वसाधारण को छड़ राज्यस्तरीय साधारणतंत्र समारोह सम्मानित अतिथि भाव में मुख्यमंत्री जोगदेवार कार्यक्रम रही एथपाय कमिशनरेट पुलिस पक्ष ट्राफिक कटक जारी साधारणतंत्र परेड रेलसेल और 26 तारीख सम्मिलित परेड बेले गांधी मार्ग को सिल करा जीवो आईपीएस रोहित वर्मा परेड कमांडेंट रो नेतृत्व नेबे। एई परेड पई किछि वरिष्ठ अधिकारी आउ
କିଛି ଗେଷ୍ଟ ରହିବେ, ବାକି ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ପ୍ୟାରେଡ୍ କେବଳ ବୈଦ୍ୟୁତିକ ମାଧ୍ୟମ ମାଧ୍ୟମରେ ଇଏ ଉପଭୋଗ କରିବାର ଇଏ ମୌକା ମିଳିବ। ଆମର ଯେମିତି ଅନ୍ୟ ସମୟରେ ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ବା ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ପ୍ୟାରେଡ଼ରେ ଗେଷ୍ଟ ରହନ୍ତି, ପବ୍ଲିକ ଆସନ୍ତି ପ୍ୟାରେଡ଼ ଦେଖିବାକୁ, ଏଥର ସେଇ ଜିନିଷ ରହିବନି। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେମିତି ଆମର ଇଏ ହେଇଥିଲା ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ବିଷୟ କରାଯାଇଥିଲା, ତେଣୁ ସେଇ ଜିନିଷଟା କରୋନା ମହାମାରୀ ପାଇଁ ଚାଲିଛି। ଆମର ଡିସିସନ୍ ହେଇଛି ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ପ୍ୟାରେଡ଼ରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବେ ତାଙ୍କର ଟେଷ୍ଟ କରାଯିବ, ଯେଉଁମାନେ ପାଖାପାଖି ରହିବେ ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଆମେ ଟେଷ୍ଟ କରିବୁ। ତେଣୁ ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିବ ଯେ ଯେଉଁ ଏଡ଼େ ବଡ଼ ଯେଉଁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପର୍ବ ଗଣରାଜ୍ୟ ଦିବସ, ତାକୁ କେମିତି ପାଳିବୁ, ଭଲ ଭାବରେ ପାଳିବୁ, କିନ୍ତୁ କୋଭିଡ୍ କଟକଣା ଭିତରେ ପାଳିବୁ। ଉତ୍ତର ଭାରତ ସମେତ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଏବେ ଶୀତ ଏବଂ ବର୍ଷାର ପ୍ରକୋପ, ଅନ୍ୟପଟେ ଏହି ସ୍ଥିତିରେ ମଧ୍ୟ ପୁଞ୍ଚର ବରଫାବୃତ ଇଲାକାରେ ଦେଶ ପାଇଁ ସଜାଗ ରହିଛନ୍ତି। ତେବେ ସେନାକୁ ସହଯୋଗ କରିବାକୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି ଏଫ୍ଆର୍ପି। ସେନା ଅନୁସାରେ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଜ୍ଞାନକୌଶଳରେ ନିର୍ମିତ ଏହି ଏଫ୍ଆର୍ପି ତୁଷାରପାତ ସମୟରେ ଅନେକ ମାତ୍ରାରେ ଆରାମ ଦେଉଛି। ସେନା ପାଇଁ ପ୍ରବଳ ଶୀତୁଆ ଇଲାକାରେ ଏହା ବାସଗୃହ ଭଳି କାମ କରୁଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ସୈନିକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବେଶ୍ ଉତ୍ସାହ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। देखिए FRP जो यहाँ बनी है इस इलाके में, इसका बहुत ही अच्छा इस्तेमाल किया गया है। जैसे हम अभी हमारा पोस्ट काफी बॉर्डर से लगा हुआ है, तो काफी ऊंचाई और हाइट में यह पोस्ट है, तो यहाँ लगातार 5 से 6 फीट बर्फ पड़ते रहती है। तो इस FRP का शेप भी इस प्रकार बना है, वी शेप बना हुआ है, इसके ऊपर बर्फ टिकती नहीं है। दूसरी बात, जब हम ठंडे से पेट्रोल से या ड्यूटी से आते हैं, अपना ये हमारा ये रेस्ट एरिया है, इसके अंदर हम कोई भी कैरोमीटर का इस्तेमाल करते हैं, तो ये FRP एकदम गर्म हो जाती है, जिसका हमें अपने टेम्परेचर को चेंज करने में काफी अच्छी मदद मिलती है। जैसे पहले बंकर थे, उन पर बर्फ पड़ती थी, गिरानी पड़ती थी जी। पहले के टाइम पे जो बंकर्स होते थे, तो उनके ऊपर बर्फ टिकने के भी काफी चांसेस रहते थे, तो ठंडा काफी रहता था। ये इन FRP में अभी शेप ही इनका इस प्रकार बना है कि बर्फ टिकती नहीं है और गर्म करने में कम समय लगता है। ये FRP का ये इस्तेमाल किया। ଗୋଟିଏ ସରପଞ୍ଚ ପଦବୀ ପାଇଁ 13 ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥୀ, ସମସ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ଯାଞ୍ଚ ପରେ କାଏମ ରହିଛି। ଏଭଳି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲାର ବଅଁରପାଳ ବ୍ଲକ ଜାମୁନାଳି ପଞ୍ଚାୟତରେ। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ଗୋଟିଏ ସମିତି ସଭ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥୀ ପାଇଁ 9 ଜଣ ଏବଂ 12 ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବର ପ୍ରାର୍ଥୀ ପାଇଁ 35 ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥୀ ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଦାଖଲ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ପଞ୍ଚାୟତରେ ସମସ୍ତ 14 ପଦବୀ ପାଇଁ ମୋଟ 57 ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥୀ ନିର୍ବାଚନ ରଣାଙ୍ଗନରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛନ୍ତି, ଯାହାକି ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ଯେକୌଣସି ପଞ୍ଚାୟତରେ ସର୍ବାଧିକ ପ୍ରାର୍ଥୀ। ପୂର୍ବରୁ ଏହି ପଞ୍ଚାୟତଟି ସାକୋସିଂ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଥିଲା। 2017 ଜାମୁନାଳି, କୁଇଓ ଜଙ୍ଗଲ ଏବଂ କର୍ଦାଟିକର 4 ଗାଁକୁ ନେଇ ଗଠିତ ହୋଇଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଜାମୁନାଳି ପଞ୍ଚାୟତ। ପଞ୍ଚାୟତର ଲୋକସଂଖ୍ୟା 5,448। ପୁଣି ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ମାଲକାନଗିରି କାଲିମେଳାର ମମତା ପାଡ଼ିଆମି। ମମତାଙ୍କ କଥା, ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନାରେ ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ଥିବା ଚିକିତ୍ସା ସହାୟତା ରାଶି 5 ଲକ୍ଷରୁ 7 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିଥିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଆମ ଗାଁ ଆମ ବିକାଶ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ମାତ୍ର 2 ମିନିଟ୍ କଥାବାର୍ତ୍ତା ମଧ୍ୟରେ ମମତା BSKY ସ୍କିମ୍ରେ ମହିଳାଙ୍କ ସହାୟତା ରାଶି ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମମତାଙ୍କୁ ସାବାସି ଦେବା ସହ ସ୍କିମ୍ରେ ସହାୟତା ରାଶିକୁ ବଢ଼ାଇଥିଲେ। ଏବେ ସେହି ମମତା ପଡ଼ିଆମି କାଲିମେଳା 2 ଜୋନ୍ରୁ ବିଜେଡ଼ିର ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବରେ ନାମାଙ୍କନ ଭରିଛନ୍ତି। ମାତ୍ର 6 ବର୍ଷ ବୟସରେ ବାପାଙ୍କୁ ହରାଇଥିବା ମମତା ଭାଙ୍ଗି ନ ପଡ଼ି ମାଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ପାଠ ପଢ଼ିଥିଲେ। ପାଠ ପଢ଼ି ନିଜେ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହେବା ସହ ଅନ୍ୟ ଆଦିବାସୀ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ ବି କରିଥିଲେ। ଶିକ୍ଷିତା ମମତାଙ୍କ ସାହସ, ବାହାଦୁରୀ ଏବଂ ଜନକଲ୍ୟାଣ ମନୋବୃତ୍ତିକୁ ଦେଖି ବିଜେଡ଼ି ତାଙ୍କୁ କାଲିମେଳା ଜୋନ୍ 2 ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିଛି। ବିଜୟ ନେଇ ବେଶ୍ ଆଶାବାଦୀ ଅଛନ୍ତି ମମତା। ସମୟ ସରିଛି, ବୁଲେଟିନକୁ ଏଠି ରଖିବା। ନମସ୍କାର।